ग्राम डेरिया पंचायत में हो रही इस जनसभा में सबसे पहले मैं हमारे बीच में आशीर्वाद देने आए संत श्री श्री 1000 राज्य ग्रामपुरी जी बाप जी को प्रणाम करती हूँ। अन्नपूर्णनाथ जी जिनका भी आपसे उद्बोधन सुना उनको भी प्रणाम करती हूँ। यहाँ सामने पधारे हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गण माताएं बहने और युवा भाई आप सबको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि आप इस बेटी को आशीर्वाद देने के लिए इस बहन को आशीर्वाद देने के लिए मान सम्मान देने के लिए इतनी भारी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपको मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं बाप जी जगरामपुरी जी हम जानते हैं कि तपस्वी जीवन है सन्यासी जीवन है लेकिन आज हाथ में माला की जगह बाप जी बैट लिए खड़े हैं ये बल्ला लिए खड़े हैं। और सिर्फ आज ही नहीं पिछले कई दिनों से बाप जी ने इस बल्ले को छोड़ा नहीं है इस बैट को छोड़ा नहीं है। उन्होंने उस दिन पकड़ लिया था जब इस बेटी की आंख में आंसू आए थे उस बेटी ने झोली फैलाई थी तब 36 कौन के उन्होंने और बाप जी ने उसी दिन ये बल्ला पकड़ लिया था। उसी दिन ये कह दिया था कि बेटा तू चिंता मत कर हम तेरे साथ हैं 36 कौन के लोग तेरे साथ हैं इन बाप जी का आशीर्वाद सभी संतों का आशीर्वाद तेरे साथ है। और तब से बाप जी लगातार ये बल्ला लिए सारी सभाओं के अंदर आशीर्वाद देने के लिए आ रहे। मैं धन्यवाद देती हूँ ये आदरणीय लून सिंह जी चाला साहब ये आपके बीच में हैं बहुत बड़े ब्रह्माचार्य समाज सेवी है कई जो गरीब लोग थे उनको अपनी तरफ से अपनी जमीन में से एक एक बीघा जमीन इन्होंने कई समाजों को दी है उनको धन्यवाद देती हूँ। और उन्होंने भी फॉर्म भरा था अपना लेकिन वो फॉर्म उठा लिया क्योंकि इन्होंने भी कहा कि नहीं इस बार मैं अपनी बहन का साथ दूंगा तो इनको भी धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय भूम सिंह जी राजगुरु अभी आपके बीच में थे वो माइक पे बोल रहे थे उन्होंने भी फॉर्म भरा था लेकिन अपनी इस बहन का साथ देने के लिए उन्होंने भी अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया उनको भी धन्यवाद देती हूँ। भाई रिजमल सिंह जी आज अभी हमारे साथ नहीं आए क्योंकि उनके एरिया में कुछ काम था कुछ मीटिंग्स थी उनको लोगों से मिलना था लेकिन वो लगातार पिछले 3 दिनों से हमारे साथ मीटिंग्स में थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो मेंबर जिला परिषद लेकिन जब इस बहन की तकलीफ देखी जब 36 कौम की जनता की भावना देखी तो उन्होंने कहा कि जब युवा साथ है जब 36 कौम के युवा और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्रियंका के साथ है तो मैं भी अपनी इस बहन के साथ खड़ा हूँ उसको हर तरीके से साथ दूंगा उनको भी मैं आज इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देती हूँ। यहाँ आप देखिए बुजुर्ग है आदरणीय कान सिंह जी मारूड़ी से वो भी हमेशा कांग्रेस में थे लेकिन अपनी इस बेटी के साथ वो भी लगातार 80 बरस के हैं 80 से ऊपर ही हैं वो भी लगातार अपना आशीर्वाद देने के लिए लगातार सभाओं के अंदर साथ चल रहे हैं। पास में प्रेम प्रकाश जी वकील साहब बैठे हैं जटिया समाज के अध्यक्ष हैं इनको क्या जरूरत थी कि यहाँ पर मीटिंग में आने की लेकिन इन्होंने भी उसी दिन तय कर लिया जब अपनी बहन की तकलीफ देखी 36 कौम की जनता की आवाज सुनी तो उन्होंने कहा नहीं मेरा कर्तव्य बनता है और मैं इस बहन के साथ रहूंगा। आदरणीय राजा राम जी भी साहब वहाँ बैठे हैं आपको पता है आप में से जो भी गंगाराम जी के पास आते होंगे वो देखते होंगे कि राजा राम जी भी साहब हमेशा गंगाराम जी के साथ सालों साल चले। मैं तो छोटी थी तब उंगली पकड़ के ले जाते थे कि चल बेटा टॉफी खिलाता हूँ चल बेटा आइसक्रीम खिला कर लाता हूँ इतनी उम्र होगी लेकिन आज वो भी भाग दौड़ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि उनको भी अपनी बेटी का साथ देना है अपनी इस बच्ची का साथ देना है मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। मैं राजू दासी है आप ये एसटी मोर्चा के अध्यक्ष है अब इनको क्या जरूरत पड़ी थी कि यहाँ लगातार इस बहन के साथ घूमने की लेकिन इन्होंने भी सोचा कि जब बाप जी साथ दे रहे हैं तो मुझे भी अपनी इस बहन का साथ देना चाहिए तो मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सवाई जी मेघवाल है मैंने जब से राजनीति में आई हूँ तब से लगातार सवाई जी चाहे कोई भी परिस्थिति आए लेकिन हमेशा बड़े भाई की तरह साथ खड़े रहे हैं कभी भी कोई काम कहा कोई बात कही तो हमेशा सवाई जी मेघवाल आदि रात को भी हाजिर है उनको भी धन्यवाद देती हूँ। ऐसे अनेकों अनेक लोग हैं
नाम लेने के लिए अगर शुरू करूंगी तो बहुत सारे लोग हैं, और मैं ये मानती हूँ कि ये सब जगरामपुरी जी बाप जी का आशीर्वाद है कि आज आप इतनी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए। अभी किसी ने कहा कि ये चुनाव जीतने के बाद की रैली है या चुनाव के वोट मांगने वाली रैली है, ये भी नहीं पता चल रहा। तो ये सब बाप जी का आशीर्वाद है कि आज इतनी संख्या में आप यहाँ पर आए हैं। और मैं मानती हूँ कि रामदान जी और गंगाराम जी, उन्होंने जिस तरह काम किया और आज उनके नाम पर बाप जी के आशीर्वाद के साथ आप यहाँ आए हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए आपके लिए काम करूं। आपके इस बेटे ने बहुत संघर्ष किया, आधे से ज्यादा जीवन तो पूरा हो गया। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि बचा हुआ जीवन आपके लिए, यहाँ के बुजुर्गों के लिए, यहाँ की माताओं बहनों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए समर्पित करती हूँ। एक ही बेटा है, वो बड़ा हो गया, नौकरी कर रहा है। अब जीवन में एक ही उद्देश्य है कि रामदान जी और गंगाराम जी के नाम को और काम को आगे बढ़ाया जाए, और आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, बाप जी का आशीर्वाद बलेगा।